वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू वर्क HVAC सिस्टम। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ग्रिल से लेकर, डैम्पर से लेकर, डिफ्यूजर से लेकर, और मैं आपका ब्लोअर से लेकर, ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए, रूम का टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, आउटसाइड एयर किस तरह से लेते हैं, एग्जॉस्ट कैसे करते हैं, कूलिंग कॉइल का वर्क क्या होता है, हीटिंग कॉइल का वर्क क्या होता है, डिह्यूमिडिफिकेशन कैसे किया जाता है, ह्यूमिडिफिकेशन कैसे किया जाता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है आगे एयर को सप्लाई करते हैं, तो ये हमारा एक जो हो गया हमारा ब्लोअर हो गया। ब्लोअर से जो है सप्लाई करता है जो एयर की जो टेम्परेचर होता है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड 13 डिग्री सेल्सियस होता है। अब रजिस्टर किसे कहते हैं, रजिस्टर उसे उसको इस ग्रिल को कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिसमें डैम्पर भी लगा रहता है और ग्रिल भी होती है, तो इसका सेट को पूरा हम रजिस्टर कहते हैं। तो ये जो सप्लाई एयर जो हो रही है वो रूम में, जो हमारा ये रूम है, तो रजिस्टर के थ्रू हो रही है और सप्लाई डिफ्यूज़र के भी थ्रू हो रही है। तो मैं ग्रिल के बारे में आपको बता दूं, ग्रिल जो अवेलेबल होती है वो हमारा बेसिकली 0 डिग्री एंगल पर होती है, 30 डिग्री एंगल पर एंड 45 डिग्री एंगल्स पर होती है, और इसके फिन को हम जो है कंट्रोल करके हम जहाँ हवा का डायरेक्शन चाहिए होता है वहाँ पर इसे रोटेट भी कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रिल एंड डैम्पर, डैम्पर जो है हमारा जो लगा हुआ है ये डैम्पर, इसे हम BMS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसे मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा जो है वो डैम्पर है, ये मैं BMS से जो मोटराइज वॉल लगा हुआ है इस साइड में, इससे मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। फुल्ली ओपन एंड फुल्ली क्लोज कर रहे हैं हम इसे, देखिए अच्छे से देख लिए, ये ऐसे अंदर लगा हुआ होता है HU और डक्ट्स के। डिफ्यूज़र के बारे में बात कर लें तो सप्लाई एयर डिफ्यूज़र जो होता है वो 90 डिग्री पर एयर को थ्रो करता है, कूलिंग एयर जो है, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये जो है 90 डिग्री पर जो सप्लाई करता है वो जो है सीलिंग के थ्रू जो है टच होकर बहुत आगे ज़्यादा दूर तक चली जाती है एयर, तो इसका ये फ़ायदा होता है ट्रैवलिंग जो है इफेक्ट की वजह से। तो ये है मेरा डिफ्यूज़र, और डिफ्यूज़र में भी डैम्पर का यूज़ होता है। अब जो यूज़ हुई हमारे रूम में, जो हम सांस लेते हैं अनवांटेड गैसेस हैं या कोई और है, तो जो है रूम में कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगी, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रही है रूम में, अगर हम एग्जॉस्ट नहीं करेंगे तो क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम जो है रिटर्न एयर ग्रिल का यूज़ करते हैं और कुछ परसेंट जो है एग्जॉस्ट कर देते हैं, और जो रिमेनिंग जो बची रहती है वो हमारी AHU में चली जाती है रिटर्न, क्योंकि अगर हम पूरी एग्जॉस्ट कर देंगे तो हमारा जो HU है वो उसे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और कुछ फ्रेश एयर जो है ऐड भी करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ जाएगा रूम में तो सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा, तो इस वजह से हम आउटसाइड एयर भी लेते हैं सरफेस बाहर से, रूम के बाहर से हम लेते हैं, और जो रिटर्न एयर का टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस होता है। समर में जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस होता है। जो है वो कनेक्ट रहती है, मिक्सिंग चैम्बर होता है HU में। अब आउटसाइड एयर जो है फ्रेश एयर प्लस रिटर्न एयर मिक्स होकर फिर से सप्लाई कर देती है ये सप्लाई एयर डक्ट में। तो ये प्रोसेस है, हमें थ्री तरह हमारा, मैं बता दूं आपको, एक तो हमें एयर का डायरेक्शन को कंट्रोल करना होता है, एयर की सप्लाई कितनी सप्लाई चाहिए उसे भी हम कंट्रोल करते हैं रूम में, कि कूलिंग कितनी चाहिए रूम में, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, तो वो भी हम BMS के थ्रू और मैनुअली भी कर सकते हैं थर्मोस्टेट से। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेश एयर हमें कितनी ऐड करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रूम में कितना है तो उसे भी कंट्रोल किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एक उधर डैम्पर लगा रहता है HU में पीछे की साइड, वो अभी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। और हमारा रिटर्न एयर में डैम्पर का यूज़ नहीं करते हैं, एग्जॉस्ट हमें कितनी करनी है उसके लिए भी हम एक डैम्पर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बाहर कितनी निकालनी है, ऐसा ना हो ज़्यादा बाहर निकल जाए, तो ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। एक और चीज़ है जिसका हम ख्याल रखते हैं, जिसका नाम है ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, जो नमी होती है एयर में उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, एएचयू सिस्टम में उसे भी कंट्रोल करना होता है। तो ये जो पैरामीटर्स बताए मैंने आपको उसमें ह्यूमिडिटी का भी एक अहम रोल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी जो है बरसात में जो है मॉइस्चर जो है बढ़ जाता है, आपने देखा होगा चुपचुपा सा लगने लगता है एयर में। एंड मई जून में जो है वो ड्राइनेस एयर में ज़्यादा बढ़ जाती है, हॉट खुश्क होने लगते हैं, तो ये चीज़ें देखी होंगी आपने। तो उसको भी हम कंट्रोल करते हैं ह्यूमिडिफायर एंड डीह्यूमिडिफायर जो है हमारे एचयू में यूज़ होता है, उसका यूज़ कर कर हम जो है एयर की ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं, ताकि हमें जो है एयर में जो है ड्राइनेस ना हो। अगर ड्राइनेस होगी तो हम उसमें सप्लाई करेंगे। मैं चलिए मैं बता देता हूँ एचयू में चलते हैं, एचयू का डायग्राम दिखा कर। फ्रेंड्स ये मेरा जो है सप्लाई एयर डक्ट मेरी यहाँ से होती है एचयू में। तो मैं आज पार्ट्स बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे कौन सा पार्ट वर्क करता है, अभी जो चीज़ समझी उसे क्लियर करा देता हूँ। तो यहाँ से जो है सप्लाई हो रही है एयर, एयर सप्लाई होती है यहाँ से, जो फिन्स लगे हुए हैं तो वहाँ से सप्लाई करते हैं आए यहाँ से एचयू। और दूसरी बात, इसके बराबर में आप देख रहे होंगे ये जो है ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, स्प्रे करता है एयर। ये ह्यूमिडिफायर है, इसमें हम वाटर को एयर में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एयर में जो है वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। एयर में जो है ड्राई है, जैसे मई जून में ड्राई रहती है एयर, हम स्प्रे कर कर ये वाटर ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारा जो ह्यूमिडिटी जो है कंट्रोल करते हैं, 50% to 60 होनी चाहिए। पानी है, नमी है एयर में, तो डीह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हीटर लगा रहता है उसमें डीह्यूमिडिफायर में, वो हीटर जो है एयर का जो है मॉइस्चर है वो कम कर देता है, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी एयर में मिक्स है उसे कम करके वो ड्रेन आउट कर देता है, वाटर जो है ड्रेन ट्रे में गिर कर और वो निकल जाता है एचयू से। दूसरा ये सप्लाई ब्लोअर है, ये ब्लोअर जो है एयर को सप्लाई करता है, रोटेशन करता है, तो इसके फिन्स जो है फोर्स कर कर एयर को आगे की तरफ धकेल लेते हैं। एक कूलिंग कॉयल होता है, एक हीटिंग कॉयल होता है दोस्तों। तो कूलिंग कॉयल में जब चिल चिल चिल्ड वाटर जो आएगा चिलर से, वो इसमें जो है रोटेट होकर वापस जाता है। और इधर ब्लोअर लगा हुआ है, तो ये जो ठंडा, जैसे आपने देखा होगा कूलर का प्रोसेस देखा होगा कि पीछे घास लगी रहती है और आगे पंखा चलता है, तो पीछे से जब एयर खींचेगा तो एयर जो है इसके कांटेक्ट में आएगी, कूलिंग कॉयल के जब कांटेक्ट में आएगी एयर, तो आगे से वो खींच रहा है पंखा, तो पीछे से टकराती हुई इस कूलिंग कॉयल से टकरा कर जो एयर जो गर्म हवा थी वो उसके कॉन्टैक्ट में आई, और कांटेक्ट में आने के कूलिंग कॉयल के वो जो है ठंडी हो गई उससे टकराने के बाद, क्योंकि उसमें जो है ठंडा पानी रोटेट कर रहा है। और इसे टकराने के बाद जो है ब्लोअर की तरफ आई, ब्लोअर ने आगे की तरफ इसे सप्लाई कर दिया वो एयर को। दूसरा, अगर यही मैं अगर आपको यही सेम प्रोसेस में अगर मैं अगर उसमें गर्म पानी को चला रहा हूँ, सर्कुलेट कर रहा हूँ कूलिंग कॉयल की जगह पे, मैं हीटिंग कॉयल में अगर ये कर देता हूँ तो हीटिंग कॉयल भी सेम यही वर्क करेगा कि पीछे से ठंडी हवा आई और कूलिंग हीटिंग कॉयल से टकराई, क्योंकि जो वाटर है वो रन कर रहा है हाई टेम्परेचर वाटर, अगर रन करा देंगे तो वो हीटिंग कॉयल हो जाएगा, और उस पर टकरा कर जब आगे बढ़ेगी तो जो है गर्म हवा आगे जाएगी। दूसरा जो है ये फिल्टर्स लगे होते हैं, प्री फिल्टर होता है और एक फाइन फिल्टर होता है, और बैक फिल्टर का भी यूज़ करते हैं। तो प्री फिल्टर एंड फाइन फिल्टर से जो है जो बाहर की हवा ली हमने बाहर से इन्वायरमेंट से, तो देखा होगा कि डस्ट एंड जर्म्स एंड रिटर्न एयर भी हम रूम की ले रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि रिटर्न। ये मेरा फिल्टर्स हैं, प्री फिल्टर है ये जो एचयू में यूज़ करते हैं, ये बैक फिल्टर भी यूज़ करते हैं हम बैक साइड में। और बैक फिल्टर का इमेज ये है, इस तरह से ये पॉकेट एयर फिल्टर भी बोलते हैं। ये हैपा फिल्टर है फ्रेंड्स, ये इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फिल्टर है, क्योंकि हैपा फिल्टर कोरोना वायरस में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि हैपा फिल्टर की मदद से हम जो है वो कोरोना वायरस जो है उस वायरस को हमने जो है ख़त्म किया है। तो
तो इसमें जो है अल्ट्रा वायलेंट रेजेज होती हैं, उस रेजेज से हम जो है वायरसेस, जितने भी वायरस होते हैं, डिजीजेज होती हैं, उसे जो है ख़त्म कर देते हैं इसके थ्रू ऐड कर रहे हैं, और एग्जॉस्ट एयर भी ऐड कर रहे हैं। तो ये एग्जॉस्ट प्लस ऑक्सीजन का जो मिक्स करा है हमने एयर में, वो हमारा आगे सप्लाई हो रहा है। तो ये होता है हमारा, इस तरह से प्रोसेस होता है। और ये डैम्पर्स जो लगे हुए हैं आपने देखा एग्जॉस्ट एयर के, ये जो है ऑटोमेटिकली होते हैं। O2 लेवल सेंसर लगा होता है O2 का, उसे सेंस करके ये जो है उसी हिसाब से एग्जॉस्ट भी करते हैं। और O2 का ये देख रहे होंगे आप, O2 ऑक्सीजन को जो है, अगर रूम का टेम्परेचर, वो रूम का जो है हमारा O2 लेवल इंक्रीज हो गया, जैसे लोग बहुत ज़्यादा आ गए एक छोटे से रूम में, तो इससे जो है ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा, और जो है सेंसर सेंस करके जो है उसे डैम्पर को कमांड दे देगा कि O2 लेवल डाउन हो रहा है, तो जो है फ्रेश एयर ज़्यादा ऐड करना स्टार्ट कर देता है वो डैम्पर। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।